आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे इसके वेपन पैकेज को लेकर जो डिटेल्स निकल कर आई हैं उनके बारे में। अगर अभी के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इस फाइटर जेट में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो है डर्बी, जो कि एक मीडियम रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। वहीं अगर बात की जाए इसके शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम की तो इसमें यूज किया जाता है R-73 को। रशियन ओरिजिन की ये मिसाइल इकलौती रशियन सिस्टम है जो इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एक भी रशियन कंपोनेंट नहीं है। वैसे इस फाइटर जेट की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल पाइथन होने वाली थी, लेकिन वाइब्रेशन इश्यूज के चलते पाइथन 5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया। हालांकि आने वाले समय में इस फाइटर जेट के साथ में इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज में अस्त्र मार्क 1 और आने वाली अस्त्र मार्क 2 इंटीग्रेट की जाएगी। वहीं शॉर्टर रेंज के लिए एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो कि MBDA बनाता है और अभी ये मिसाइल भारत में बनाई जा रही है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, उसको इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। ओवरऑल तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के एयर टू एयर मिसाइल्स काफी डिसेंट मिसाइल्स हैं, लेकिन असली पंच निकल कर आएगा तेजस मार्क 2 के साथ में। तेजस मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट होने वाले हैं। इस मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट के साथ में लॉन्गर रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर इंटीग्रेट की जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फाइटर जेट के साथ में मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। मीटियोर के अलावा इस फाइटर जेट में आने वाले समय में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 भी इंटीग्रेट की जाएगी। वहीं शॉर्टर रेंज के लिए इस फाइटर जेट में भी नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट की जाएगी। चांसेस हैं कि उस समय तक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का इंफ्रारेड वेरिएंट आ जाए और उसको भी इस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट किया जाए। यानी कि इस फाइटर जेट का वेपन पैकेज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैटेगरी में इस फाइटर जेट के पास में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल होगी। मीटियोर आज की तारीख में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल का नो एस्केप जोन सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी इफेक्टिवनेस आज की तारीख में जितनी भी मिसाइल्स हैं उनसे सबसे ज्यादा है। मीटियोर का केवल एक डाउनसाइड है, वो है इसकी कॉस्ट। मीटियोर एक कॉस्टली मिसाइल है और इसी वजह से अस्त्र मार्क 2 भी बहुत ज्यादा क्रूशियल इंटीग्रेशन होने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में अस्त्र मार्क 2 मीटियोर के ऑलमोस्ट 80% होने वाला है, लेकिन कॉस्ट में ऑलमोस्ट आधा होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए अस्त्र मार्क 3 की, जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन टेक्निक पर बेस्ड होगा, और इस मिसाइल की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मीटियोर जैसी होगी। इनफैक्ट कुछ सेगमेंट्स में इसकी परफॉर्मेंस मीटियोर से भी बेहतर होगी। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अस्त्र मार्क 2 अपने सारे टेस्ट कंप्लीट करके अगले साल तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दी जाएगी। वहीं उसी समय अस्त्र मार्क 3 अपने यूजर ट्रायल्स में चली जाएगी, यानी कि जब तेजस मार्क 2 बनकर बाहर आएगा या कहें प्रोडक्शन में जाएगा, तब इस फाइटर जेट के पास में एक बहुत अच्छा वेपन पैकेज होगा, स्पेशली एयर टू एयर मोड में। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें यूज होने वाले रेडार को लेकर। फ्रांस की तरफ से पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया था कि अगर मीटियोर इंटीग्रेट करनी है तो फाइटर जेट का रेडार या तो यूरोपियन ओरिजिन का हो या फिर इंडियन ओरिजिन का हो। उत्तम एक इंडियन ओरिजिन का रेडार है और इसी वजह से इस रेडार के साथ में मीटियोर को इंटीग्रेट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। इस वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को पूरे पोटेंशियल पे यूज करने के लिए रेडार में TR मॉड्यूल्स भी काफी अधिक होने चाहिए, और तेजस मार्क 2 में लगभग 1000 TR मॉड्यूल्स होंगे। यानी कि इस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की रेंज काफी ज्यादा होने वाली है, और इतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के साथ में मीटियोर जैसी मिसाइल इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा डेडली बना देगा। इस फाइटर जेट के रेडार को लेकर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बाहर निकल कर आया है। तेजस मार्क 2 में यूज होने वाले उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार में जो TR मॉड्यूल्स होंगे वो अलग तरीके से अलाइन किए जाएंगे, और इस तरीके के अलग अलाइनमेंट के कारण इस फाइटर जेट में कम क्रॉस सेक्शन के बावजूद ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे। जी हाँ, इस फाइटर जेट के नोज कोन में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब होने के कारण कंपैरेटिवली कम स्पेस होगी, लेकिन बावजूद उसके इसमें TR मॉड्यूल्स और ज्यादा होंगे, क्योंकि इस फाइटर जेट के लिए जो उत्तम AESA रेडार बनाए जा रहे हैं उसमें TR मॉड्यूल प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट है। ओवरऑल तेजस मार्क 2 अपनी कैटेगरी का बेस्ट फाइटर जेट होने वाला है।
और इसी नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।